कि आप एक क्रिएटर हैं, कि आप एक यूट्यूबर हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस को या अपने वीडियोस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको आप कैसे प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपलोडिंग के टाइम। सो नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज और यूट्यूब वीडियोस, जो हम लोग का वीडियो है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा कि मैं अपने वीडियोस को कैसे प्लान मैनेज एग्जीक्यूट करता हूँ, किस तरह से कंसिस्टेंसी में रखता हूँ। सो मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, राइट। सबसे पहले जो मैं करता हूँ एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, वो है सबसे पहले मैं आइडिया गैदर करता हूँ, राइट। सो आइडिया गैदर करने के बाद मैं स्टडी करते रहता हूँ, सो आइडिया गैदर हो जाती है, राइट। सो आइडिया गैदर करने के बाद मैं उस आइडिया को मैं कन्वर्ट करता हूँ स्क्रिप्ट में, राइट। सो सबसे पहला स्टेप आपको जो करनी पड़ेगी वो है आपको आइडिया जनरेट करनी पड़ेगी। नंबर टू, आपको उस आइडिया को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, राइट। सो सब नंबर टू, आपको आप जितनी हो सके आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एक दिन में या दो दिन में, आप जितना सकेंगे एक दिन में, अगर आप दिन में 3-4-5 स्क्रिप्ट लिख सकते हो लिखिए, क्योंकि जितना एडवांस आप लिख सकते हैं, जितना प्री प्लान आप कर सकते हैं, उतनी आपको आप एडवांस प्री प्लान करके रख सकते हैं अपने वीडियोस को, राइट। सो स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप अपने वीडियो को शूट कीजिए, राइट। सो और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप एक दिन में एक वीडियो शूट मत कीजिए। आप कर सकते हैं एक दिन में एक वीडियो शूट अगर आप घर में रहते, अगर आपका जो काम एक्टिविटीज़ पढ़ाई जॉब जो घर में अगर होती है, घर से होती है सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैवल रहे, अगर आपको ट्रैवल करनी पड़ती है फ्रिक्वेंटली, सो जैसे मेरे को ट्रैवल करनी पड़ती है, मैं जहाँ स्टडी करता हूँ वो एक अलग जगह है, सो मेरे को क्या करनी पड़ती है, मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ एडवांसली, ठीक है। उसके बाद मैं एक दिन में 3-4 वीडियो शूट कर लेता हूँ। सपोज़ आज मैं 3 वीडियो एक साथ शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं एक वीडियो शूट करूँगा एंड उसके बाद मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग करने के बाद मैं अपलोडिंग करता हूँ एंड अपलोडिंग करने के बाद मेरा एक एक्सेल सीट है, राइट। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक एक्सेल सीट बना लीजिए, यूट्यूब मैनेजमेंट सीट या यूट्यूब वीडियोस मैनेजमेंट सीट, एंड उसमें जो टाइटल है उसको टाइटल दीजिए एक कलम में, दूसरी कलम में उसका डेट दीजिए एंड दूसरी कलम में टाइमिंग दीजिए कि किस टाइम में आपने अपलोड किया। सो उसमें आपको होगा क्या कि सपोज़ मान लीजिए कि आपने 2 weeks वीडियो या एक वीक 1 week वीडियो पहले से अपलोड कर दिया, शेड्यूल्ड कर दिया अपने वीडियोस को। सो नेक्स्ट जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी किस डेट किस टाइम में मैंने अपलोड किया था। सो आप एक्सेल सीट ओपन करके देख सकते हैं, राइट। सो मैं आपको थोड़ा डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैं अपने एक्सेल सीट को कैसे मैनेज करता हूँ। अगर आप एडवांसली करते, सो जो एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आप एक वीक या 2 weeks एडवांसली आप चलिए, आप 1 week का या 2 weeks का वीडियो शूट कर लीजिए एंड उसको शेड्यूल कर दीजिए, ठीक है। एडवांस प्री प्लान शेड्यूल कर दीजिए, उसको प्री शेड्यूल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका 1 week का वीडियो हो गया, राइट। फिर आप जो नेक्स्ट जब आपको वीडियो डालनी पड़ेगी तो आप फिर शूट कीजिए। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, आइडिया जनरेट कीजिए, नंबर टू स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कीजिए, राइट। उसके बाद शूट कीजिए, उसके बाद आप एडिट कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए, उसके बाद आप अपने एक्सेल सीट में उसको मैनेज कीजिए, राइट। सो इसमें होगा क्या, मैं एक श्योर आपको एकदम पक्का 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि इसमें आपका कंसिस्टेंसी रहेगी। यूट्यूब में मेरी जितनी नॉलेज है, कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करती है। सो आपको कंसिस्टेंसी आप रख सकते हैं इसमें अगर आप प्री प्लान करते हैं, राइट। क्या होता था कि मेरा जो कंसिस्टेंसी था YouTube वीडियोस में वो ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं था, क्योंकि कभी आज अपलोड किया तो कभी 2 दिन बाद, फिर कभी 1 दिन बाद। अभी मैं जनरली 1 दिन बाद मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, 1 दिन बीच में गैप रहती है। सपोज़ मैंने आज वीडियो अपलोड किया, सो कल आप वीडियोस नहीं आएगी, फिर परसों आएगी, फिर उसके दिन बाद नहीं आएगी, फिर मतलब 1 दिन गैप करके मैं अपना वीडियोस को बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, राइट। एंड इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी काफ़ी रहती है। सो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये मेरा ओपिनियन है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, खुदा हाफिज़।